अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ईका है? हे शंकरा, ये प्रेस है कि जादू? इससे कपड़े कैसे प्रेस होते? यही घर लगता है। रुको, हम देखते हैं। बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, अब कब तक बचकर भागोगी? सामने से जाने में खतरा है, वो देखो। हम घर के पीछे द्वार से चलते हैं, चलो। बाबा ने साफ इशारा दिया है हमें राजवीर के उज्जवल भविष्य के लिए। अब चाहे जो हो जाए, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा राजवीर और रेवा की शादी करवाने का। श्रुति हमारे राज की दुल्हन नहीं बन सकती। दादी, आप होश में तो है? ये क्या कह रही हैं आप? श्रुति की जगह रेवा को राजवीर की पत्नी बनाना चाहती हैं आप? हम कहीं कपड़े ना जला दे, पर ये आन कैसे होता है? अरे आओ ना, जल्दी जल्दी। यही कहीं होगी वो आफत की पुड़िया। कुछ दिखा? ताजमहल दिख रहा है, जाओ देख लो। अरे कहाँ चले? लाट साहब के जैसे पूछ रहे हो, जैसे हमको दूर की नजर का चश्मा बनवा के दिए हो। पक्का यही पता है ना? अब सुनो कि कहाँ है वो हमारे जान की दुश्मन। अरे बाप रे, चल पड़ी। हे भाप, इससे तुम सारे कपड़े जला देंगे। हमरा फोन लगता है परी का होगा, कल से बात नहीं हो पा रही है ना उससे। पर इसका सुनो, वो जो खिड़की दिख रही है ना, हम वहां से अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ए रुको, कौन है तुम लोग? यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैंने बोला ना एक बार। हाँ हाँ जा रहे था। चलो यहाँ से। चलो दूल्हे राजा, लगाओ मेहंदी को हाथ, देखते हैं कितनी रचती है मेहंदी श्रुति के हाथों में तुम्हारे नाम की। अरे वाह, ओहो, इतनी सादी सिंपल मेहंदी जाएगी क्या श्रुति के घर? सही कह रहे हो भाभी, इस घर में ना कोई काम नहीं होता जब तक मैं हाथ ना लगाऊं। इसे अच्छे से डेकोरेट कर दो ना।
हाँ नंदिनी, सजा और सजा इसे। आखिरकार हमारे राज की मेहंदी जा रही है श्रुति के घर, देखना कैसे रचती है उसके हाथों में। चलिए देवर जी। रेवा, राज के घर वाले पक्का मेहंदी लेकर आएंगे ना? हाँ, मेहंदी नहीं आई तक श्रुति के ससुराल से। और कितना टाइम लगेगा? पक्का आएगी ना मेहंदी? क्यों दीमा, जा रही है ना मेहंदी? मेरा छोटा भाई कुछ चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रमोद, ड्राइवर के हाथों मेहंदी श्रुति के घर भिजवा दो। थैंक यू दीमा। अरे ड्राइवर के हाथों? ये कोई ऐसा वैसा सामान नहीं है जो ड्राइवर के हाथों में भिजवा दोगे। हमारे राजवीर के शगुन की मेहंदी जा रही है और हम खुद इसे लेकर जाएंगे और पारुल हमारे साथ जाएंगे। क्या बात है दादी, आप बेस्ट हो दादी, वो भी सोच लेते जो कोई नहीं सोचता। ग्रेट दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दादी हम भी चलें? अरे मेरा मतलब है कि एंजल की देखरेख के लिए कोई तो होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों वहां क्या करोगे जाके? औरतों के बीच में चुपचाप इधर ही रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा। प्लीज हमें पट्टी करने दीजिए वरना ये जख्म भरेगा नहीं। जख्म देख रही हो, ये जख्म तो भर जाएंगे लेकिन जो जख्म तुमने यहाँ दिए ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। एक सेकेंड, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग? मेरे ससुराल से मेहंदी क्यों नहीं आएगी? हाँ मेहंदी। कहा था ना मम्मी, कहा था ना पापा, आ गए वो लोग। अखंड सौभाग्यवती बाबा। नमस्ते। ये लो रेवा,
राजवीर के नाम की मेहंदी। जो श्रुति दी के हाथ में रचेगी। ये क्या है? ये क्या है ये मत पूछ, ये पूछ कि ये क्यों है यहाँ पे। मतलब ये है हम दोनों की ड्रीम गर्ल से मिलने का शॉर्टकट। भाई मैंने तो सोच लिया है, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों श्रुति के घर पे जा रहे हैं उस फंक्शन पे। ऐसे या वैसे? ए, क्या ऐसे वैसे, तुझे पता है ना धीमा ने वहां जाने से मना किया है। देख एक तो वो पहले से ही मुझसे नाराज है, और तू मुझसे कोई ऐसे वैसे काम मत करवा जो आग में घी डालने का काम करे। अरे भाई बड़ों का काम है रोकना, और हम छोटों का फर्ज है कि उनकी बात को बैक सीट पर डालकर रूल्स तोड़ना। भाई प्लीज ना, अरे प्रमोद जीजू भी तो जाते थे धीमा से चुप कर मिलने। चल ना भाई प्लीज ना, ये मौका हर बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, तू ये राग अलापना बंद कर। यस चलता हूं मैं। ठीक है। वैसे ये तो बता हम जाएंगे कैसे, वो तो लेडीज का फंक्शन है ना। तो हम कौन सा किसी लेडीज से कम है मेरी जान। अरे तुझे हुआ क्या है? रेवा मेहंदी को अच्छे से मिक्स करके फिर लगाना, ठीक है? श्रुति हमारे राज की दुल्हन नहीं बन सकती। दादी ये क्या कह रही हैं आप, श्रुति की जगह रेवा को राजवीर की पत्नी बनाना चाहती हैं आप? सही सुना तूने पारुल, लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा किसी के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। कसम है तुझे मेरी, और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है, कुछ भी गलत नहीं होगा। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। हाँ दादी, दीपक जी में सुधार होते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से। गुरु जी ने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, उनका कहा हर बार सच होता है दादी। वही तो पारुल मैं कह रही हूँ, तो खुद सोच, वरना ये सारी लीला हमें बाबा क्यों दिखाते। श्रुति को तो देख ही रही है ना कितना अंतर है दोनों में, एक चलती फिरती तबाही है और दूसरी बंजर को भी बाहर से भर दे। आप ठीक कह रहे हो दादी, ऐसा है। तो बस आज फिर राजवीर के नाम की उसकी छुई हुई मेहंदी लग जाए, उसके बाद मैं इन दोनों की शादी करवाने में धरती आसमान है कर दूंगी। राजवीर की दुल्हन तो रेवा ही बनेगी। रेवा अपने हाथों से मिक्स करके फिर मेहंदी वाली को देना, समझ गई ना? जी। रेवा तुम रहने दो, इसे मैं चम्मच से मिक्स करवा देती हूं। नम्रता ये लीजिए। दादी ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है।
मुझे भी मेहंदी लगानी है। हाँ हाँ बेटा। पारुल, इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। आइए। तो कश्मीरा मैम, आप ऑफिस में नहीं थी इसलिए मुझे घर आना पड़ा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ मैम, वो कंपनी के नाम से नोटिस आया है उन लोगों का जिनके कर्जे नहीं चुकाए गए अब तक। धीरे, हम किसी का पैसा लेकर भागने वाले नहीं है, तो नोटिस किस बात का? ये बात मैं समझता हूँ मैम, पर वो लोग नहीं समझते ना। अगर जल्दी कंपनी ने उनका पैसा नहीं चुकाया तो ये लोग लीगल एक्शन लेंगे, बाद में कोर्ट और बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, टाइम बहुत कम है। मैं कुछ करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। और हाँ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ कश्मीरा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही होगा प्रमोद, वो भी बहुत जल्दी। मोहन जी को हमारी मदद करनी होगी, वो भी किसी भी कीमत पर। मैं ये सच इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं आने दे सकती। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत, मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, सब बर्बाद हो जाएगा प्रमोद, सब बर्बाद हो जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तुम्हारी इस गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। अगर कुछ भी गलत हुआ, सजा तो तुम्हें मिलेगी राज, सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं पागल नहीं हूं जो श्रुति के नखरे झेलूं, उसको मैं पैंपा करूं। तुम्हारी एक गलती ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। वो दीदी, दीपक भैया की सही दवाई नहीं मिल रही है, पता नहीं पारुल भाभी कहाँ रख के चली गई, दादी के साथ मौज करने चली गई, अकेले मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। एक मिनट, एक दिन घर का काम कर लोगी तो तुम्हारी ब्यूटी नहीं चुरस जाएगी। अंदर जाके चेक करो कि खाने का सारा सामान तैयार हो गया या नहीं, जाओ। वो उस डांस करने वालों को बुलवाया है ना मनोरंजन के लिए, उन्हें बुलवा लीजिए, मेहंदी की रस्म शुरू ही होने वाली है। सब क्या करूं मैं जो रेवा के हाथों में मेहंदी लग जाए। देते हैं ना, मुझे नहीं लगता हमारा कोई भी प्लान काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। शुभ शुभ बोल। चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं।
अनुपमा, एक मिनट। रेवा बेटा, श्रुति तुम्हें अपने लिए लकी मानती है, तो क्यों ना तुम इस रस्म की शुरुआत तुम पहले श्रुति को मेहंदी लगाकर करो। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मम्मा, क्या रेवा मुझे पहली मेहंदी लगा सकती है? हाँ बेटा, लगा सकती है। सॉरी, पैर फिसल गया। मेरी पत्नी है ये। हे भगवान, शकुन की मेहंदी रेवा को लग गई।